अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वक्त हम दरअसल आपके इस इनकलाबी तहरीक को सलाम करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अकील जौहर का हुक्म था भाई जनाबे मौलाना शमीम साहब का हुक्म था भाई जनाबे मंजर सफी साहब का हुक्म था। आपसे एक बात मैं कह दूं, आप एक बड़े जंग को लड़ने के लिए जा रहे हैं और जंग लड़ने वाले सिपाही को दो चीजों की बड़ी जरूरत है, एक है उसका अखलाक और दूसरा है उसके अमीर की अताअत। अपने अमीर की अताअत जो फौज नहीं कर सकती, वो मैदान जंग में तो खून बहा सकती है, गर्दन कटवा सकती है, फतह से कभी हमकनार नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूं वसूल जलसा क्या होता है, जलसे का अमीर लाजिम होता है। जब किसी मुकर्रर को खड़ा कर दिया जाए तो फिर वो आपका अमीर होता है, आपकी नजर अपने अमीर पर, आपकी इत्तेबा अपने अमीर की। कोई तूफान आ जाए आपका अमीर देख रहा है आपको, जो हुक्म है उसकी अदात कीजिएगा और जिससे वो रोके उससे रुक जाइएगा। यही इनकलाब की तारीख है मेरे भाइयों। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक बेचैनी की लहर है, एक इज्तिराब है, हर आदमी अपने आप परेशान है। कल तक तूफान था दरिया में, दुश्मन मेरा चाइना और पाकिस्तान में बैठा हुआ था, लेकिन आज लगता है कि इस वतन के अच्छे शहरियों के लिए इसी हिंदुस्तान में दुश्मन खड़ा हो गया है। अब दरिया में सैलाब नहीं है बल्कि आज कश्ती के अंदर तूफान बर्पा हो गया है। जिधर देखिए माए परेशान, बच्चे परेशान, परदेश में रहने वाला परेशान, बेटी परेशान, कोई चैन से नहीं बैठा है। जब से हिंदुस्तान की सियासत में ये मोदी और ये अमित शाह आया है, बड़े घर का बेटा होता है आवारा हो जाता है, उसको अफीम की चाट लग जाती है, शराब का आदि आजा हो जाता है, बाप की जमीन भी बेचता है, घर की ईंट बेच के भी वो अफीम खाता है, शराब पीता है। ठीक उसी तरह से मोदी को और अमित शाह को हिंदुस्तान के मासूम लोगों के खून की चाट लग गई है कि तुम्हें खून नहीं पीता, आराम से नहीं बैठता। और इस वक्त जो इनकलाब आया है आपको खबर मिली है, हम अपने रंगो गम का सिर्फ तज़किरा ही नहीं करते, इजहार भी नहीं करते। अल्लाह तबारक ताला से हम जाने मिया में शहीद होने वाले उन बेटियों और बेटियों की मगफिरत की दुआ भी करते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि खून शहीदा कभी रायगा नहीं जाता। अमित शाह तू सुन ले, योगी सुन ले, मोदी सुन ले, ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, ये हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान की जंग आजादी में हमारे शहीदों को काटा गया, हमारे जवानों को काटा गया, उनको शहीद किया गया, तो पता ही अंग्रेज फौज समझती थी कि हमने हिंदुस्तानियों की गर्दन पर तलवार चला ली है, लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं था कि उस शहीद के हर एक कपड़े से इंकलाब बर्पा हो गया हिंदुस्तान में और उनको खोना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ आज की हुकूमत को कि ये लोग सियासत के, हिंदुस्तानी सियासत का जो रंगा और बिल्ला है ये मोदी और ये अमित शाह है। रंगा बिल्ला सुन लो तुम, और हमारे हिंदुस्तान की मृत्यु को तुमने ललकारा है, तुमको भी चैन से हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। जबकि हिंदुस्तान का आवाम ने तुमको दी है, तुम्हारे बाप की नहीं है, तू बादशाह नहीं है, तू जमहूरियत का सिपाही है, तोड़ने का जमहूरियत को तोड़ने का काम किया, गलती से उठाने में तुम्हें को देर नहीं लगेगी। मेरे भाइयों ये प्यारा हिंदुस्तान जिसे हम सारे जहां से अच्छा कहते हैं, ये हिंदुस्तान जो वाकिया में आप बताता हूँ, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गोरे काले गरीब अमीर सबका मुल्क था, लेकिन जब हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में नफरत हो गई, दूरी हो गई, तो अंग्रेजों ने हम पर कब्जा कर लिया और 200 साल तक हम गुलाम रहे, लेकिन हमारे लोगों को होश आया कि हमारे अलग होने से हम गुलाम हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम एक हो गया, टीका टूपी एक हो गया, तो फिर अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। आज सन 1985-87 के जमाने से हिंदुस्तान में नफरत की खेती को जो बढ़ावा दिया ये मोदी ने, आपको पता है मोदी कौन है, जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के हिंदुओं के हाथों तोड़ने के लिए
जब रथ यात्रा निकाली गई थी उस रथ यात्रा की गाड़ी का पहलवान का नाम मोदी है। वही मोदी हर जगह जा जाकर रास्ता दिखाता था, नफरत की बाजार को काट करता था और वही उस वक्त आडवाणी के रथ का सीधे सालार बना हुआ था। और बाबरी मस्जिद के शहीद से पहले भी गांधी को गांधी का फोन करके इन बेईमानों ने बता दिया है कि इस मुल्क से सादर करके लोगों को आगे सबके लोगों से मोहब्बत नहीं है। सबसे बड़ा आतंकवाद की अगर शुरुआत किसने की, सबसे बड़े आतंकवाद की शुरुआत की तो गांधी की हत्या से ही लोगों ने की है। गांधी का फोन शुरू किया, हिंदुस्तान की जमहूरियत को तोड़ा। माइकल जो मैं बताता हूँ कि मुल्क आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, मुल्क कैसे चलेगा। मुगलों का शासन अब बाकी नहीं था, अब अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, देशवासियों को हुकूमत करनी थी। तो उसके लिए संविधान बनाया गया, संविधान में सबके हुकूम तय किए गए, सबके वोट की सीमा बराबर तय की गई और आजादी के जो सपना दिखाया गया था कि चाहे राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान सबको मिलेगा हासिल एक समान, यही हिंदुस्तान के दस्तूर ने कहा। और हिंदुस्तान के दस्तूर के प्रीएम्बल में जो तमहील है, जो निशानी है दस्तूर की, उसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तान एक सशक्त सेकुलर स्टेट होगा, समाजवाद होगा, यहाँ पर ये स्टेट खुद मुख्तार होगा और यहाँ के लोगों को मजहब पर अमल करने की आजादी होगी। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होगा, अपनी इच्छा के मुताबिक अपने धर्म को पालन करने का अख्तियार होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी के धर्म का पालन करे और दूसरों के धर्म का आदर करे, यही हिंदुस्तान का नक्शा है। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसा है, वो अभी आपने अक्टूबर में ये गांधी का जो क्या 2 तारीख में सबसे पहला बयान दिया मोदी ने, मोदी ने क्या कहा कि हम इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाएंगे, हिंदू सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट पारसी भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब मोदी जब अमित शाह ने दस्तूर पर हाथ रखकर अहद किया था पार्लियामेंट में, उसने कहा था कि हम हिंदुस्तान के संविधान को अक्षुण रखेंगे, महफूज रखेंगे, जात पात मजहब की बुनियाद पर किसी पर भेदभाव नहीं करेंगे। मोदी जब तुमने कसम खाकर के झूठ काम किया है तो तुमसे देश बर्बाद होगा, आज तुम देश को बर्बाद करने के लिए जा रहे हो। अब ये क्या हुआ है, ये कैद जो आपका बना जो आज सिटीजन अमेंडमेंट भी हो गया, हस्ताक्षर कर दिया उसको जब सदन ने, अब उसका कानून हो गया। वो कानून ये जो बिहार का पलटू राम कहता है कि हम बिहार में एनआरसी को लागू होने नहीं देंगे, नीतीश यहाँ का राजा नहीं है जो हर दिन बैठा हुआ रह जाएगा, नीतीश बड़ा है और कैद बिल के अगर नीतीश मुखालफत करता तो जिसका वोट लेकर जीता प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी, उस वक्त आसाम का आंदोलन चल रहा था तो सब पहले एनआरसी 1986 में वहां कायम हुआ कि कौन है बांग्लादेशी कौन है देश, उसकी तहकीक की जाएगी, ये सियासी नारा था। लेकिन जो हंगामा बर्पा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में उसको लिया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहां पर लागू किया गया एनआरसी। एनआरसी जब लागू हुआ लोगों 16,000 करोड़ रुपए खर्च हुए उसमें, और हुआ क्या, इन लोगों ने यह समझा था कि दाढ़ी टोपी वाले हाथे लंगू मूठे मूठे पान बंगला भागो पाकिस्तान, ये लोग नारा दे रहे थे तो समझ लेंगे कि बंगला भाषी मुसलमान शायद बांग्लादेशी होगा। लेकिन इत्तेफाक से हो यह गया कि उसमें 5-7 करोड़ मुसलमान हुए और उसमें 5-7 लाख मुसलमान निकले और 12 लाख से ज्यादा हिंदू भाई हमारे निकले। मोदी और योगी परेशान हो गया कि तीन तो उल्टा हो गया, टोपी वाला तो नहीं पकड़ा गया, तो इसने क्या किया, अब इस मुल्क में अमेंडमेंट हुआ कि जो 1950 में पैदा हुआ है वो इस मुल्क का शहरी है। फिर 1971 को तो बनाया गया कट ऑफ डेट बनाया गया, फिर 87 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2004 में अमेंडमेंट हुआ, कभी कहा गया बाप मां से एक होगा तो वो हिंदुस्तान का शहरी होगा, फिर कहा गया कि बाप मां से कोई एक भी गैर कानूनी होगा तो हिंदुस्तान का शहरी नहीं होगा, कई मरहले आए। अभी तो इसने कानून लागू किया है कि लगता है कि देश पहली बार 2014 में आजाद हो रहा है। और ये क्या कह रहा है कि 2014 तक मुसलमानों को छोड़कर जो भी है
वो हिंदुस्तान का शहरी होगा और मुसलमान नाम इसकी जबान पर नहीं आ रहा। लेकिन मेरे भाइयों, चैन से मन बैठे हुए दलितों पिछड़े भाइयों, इसका निशाना दलित समाज है। रोहित की मुला को परेशान क्यों किया, चंद्रशेखर आज परेशान क्यों है? ये दलित और मुसलमानों को चैन से रहने नहीं देना चाहता। अब ये कानून लागू हो गया है तो इसके उसको रोक नहीं सकता है। सीएए को स्टेट की जो कानून सेंट्रल का 14 लिस्ट में होता है उसमें किसी मुख्यमंत्री की नहीं चलती। ये नीतीश कुमार धोखा दे रहा है। वो कानून लागू हो गया है, उस कानून के लागू होने के बाद अभी अप्रूव आपका होने वाला है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 1950 पर पहली बार हुआ था कि देश में बसने वाले लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी। बीच में जनगणना हुआ हर 10 साल पर, लेकिन फिर ये लाना चाह रहा है अप्रूव में क्या NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और उसमें कानून होगा, उसमें ऐसे ऐसे कागज मांगे जाएंगे जो आप कागज नहीं दे सकेगा, हिंदू भी नहीं दे सकेगा, मुसलमान भी नहीं दे सकेगा। अपने बस्ती में चलकर देखिए, हम भरपुर है, कल्लू है, जुम्मन है, रामू है, मियां साहब की जमीन पर, गांव के बड़े लोगों की जमीन पर बैठा हुआ रहा रैय बेचारा कागज बेचारा बिन मौत के मर जाएगा। सबको परेशान करने की साजिश चल रही है मेरे भाइयों। इसके बाद क्या होगा कि ये अखाड़ा जब हो जाएगा पूरे लोगों को परेशान करेगा। याद रखिए, ये हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों का आलयकार बना लिया है और आज विदेश के लोगों के मशवरे से हिंदुस्तान प्याज की कीमत बढ़ी, नौकरी नहीं मिल पाई, काला धन वापस नहीं आया, नौजवान बेरोजगार हो गए। मोदी को ये कुछ नहीं सूझता है। मोदी दूसरी बार के सरकार बनाने के बाद नौजवानों के रोजगार, बीमारों की दवा, देश की तरक्की कोई मसला नहीं था। जो सबसे पहला बिल लेकर आया वो तलाक बिल लेकर आया। मुसलमानों होशियार हो जाओ, बड़ी अंधेरी रात, बड़ी तकलीफ रात और बड़ी लंबी रात आ रही है। इनके निशानों को पहचान लो। 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ था तो मोदी को शर्म नहीं आई थी। क्या कहा था उस वक्त के प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी ने कि हे मोदी, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया। शर्म नहीं आई, बल्कि उसने क्या कहा कि हम गौरव यात्रा निकालेंगे, हम फखरिया जुलूस निकालेंगे। और ये जुमला भी कहा था कि हम इसी तजुर्बे को पूरे हिंदुस्तान में दोहराने का काम करेंगे। और वो वक्त आ गया है, आज अलीगढ़ निशाने पर है। आज आपका बच्चों का खजाना जो आपका था, आपके मुस्तकबिल की तामीर का सपना जिन बच्चों से देखा, उस जामिया मिलिया में हमारे बच्चों ने आग नहीं लगाई, हमारे बच्चों ने सड़कों को नहीं तोड़ा, हमारे बच्चों ने पुलिस पर पत्थर नहीं मारा, लेकिन हमारे मासूम बच्चों के सीने पे गोलियां चला दी गई। यही हिंदुस्तान है। मराठावार मराठा उठता है, जात उठता है। 12,000-13,000-1200-1300 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति बर्बाद करता है, उसके सीने पे गोली नहीं चलती। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये बात जान लीजिए, हिंदुस्तान एक कश्ती की तरह है और ये कश्ती सब बैठे हुए हो, मुद्दे और मुद्दाले दोनों बैठे हुए हो, लोगों कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हो, राजद के लोग भी बैठे हुए हो, हिंदू मुसलमान सब बैठे हुए हो। ये कश्ती अगर डूबेगी तो किसी की जान नहीं बचेगी। इस कश्ती को बचाने का काम करो। ये लड़ाई जो लड़ने के लिए शुरू की है, मैं इन नौजवानों को थोड़े से लोगों के सियासी तजुर्बात है, उन सियासी तजुर्बात की रोशनी में हमें तो बड़ा अंदेशा रहता है कि हमारे यहाँ मसला ये होता है, जमात का क्या हुआ, जमात से कोई परवाह नहीं। अखबार जब लोग पढ़ता है तो ये नहीं देखता कि हमारे मीटिंग की खबर क्या क्या छपी, जो बात बोली गई थी वो बात लिखी गई कि नहीं, अखबार वाले ने सही डायरेक्शन पर खत लिखा कि नहीं लिखा। वो देखता है मेरा फोटो छप गया तो समझता है कि जलसे में जाना हमारा कामयाब हो गया। मेरे भाई, इस नियत से अपने आप को निकालो। किसको ये फिक्र है कि कारवा का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। कारवा बचेगा तो तुम भी बचोगे, कारवा नहीं बचेगा तो कोई सरदार नहीं बचेगा। इससे सरदारी की लड़ाई मत करिए और मिसाली दुनिया बनाने का साथ में सोचिए। लगता है कि हम कोई सियासत नहीं करेंगे, लेकिन बगैर सियासत के आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। आपको करना यह है कि देखिए, मैं अक्सर मिसाल पे बात करता हूँ, बंगला ईटा देखे है, ढेर है 50-40 की और उसमें ताकत नहीं है, और 5,000 ईट की दीवार बनी है ईदगाह की और स्कूल की, आंधी आती है तो उसके नीचे में बैठ जाते हैं। क्यों है? जमात में ताकत है, भीड़ में ताकत नहीं है।
अब तक हमारी सड़कों पे चल रही है। ये भीड़ है, इसको जमात बनाने की जरूरत है और जमात के लिए मसूल तय होंगे कि हमें कैसी लड़ाई लड़नी है, क्या लड़ाई लड़नी है, हमारा कौन बोलेगा, क्या बोलेगा। पता चला कि आपका ऐरा गहरा अभी जो मोबाइल हो गया, माफ कीजिएगा, मोबाइल के बड़े एहसानात है, अखबार वाला जो खबर नहीं छापता वो खबर भी छापता, लेकिन भाई बंदर के हाथ में आज बहुत सारे नादानों के हाथों में जो मोबाइल है वो बंदर में के हाथ में आई ना की तरह है। उन्होंने भी समझ खबर लिखनी है, क्या खबर नहीं लिखनी है, कोई और एक्सीडेंट भी चला लेता है। मेरे भाई के लोगों को जोड़िए और अलग अलग समुदाय के लोगों को जोड़िए, और यहाँ नहीं बल्कि जिला के ऊपर हमको लड़ाई करने की जरूरत है। अभी कन्हैया भी आ रहे हैं चारों जिले की, मैं चूंकि रात को 3:30 बजे आया हूँ गुड्डा से, झारखंड से, मैं आप लोगों को खबर नहीं कर सका, मेरी कोताही है, नहीं तो ये मीटिंग दोस्त नहीं करवाते। आज चारों जिले का एक बड़ा प्रदर्शन आपके पूर्णिया कमिश्नरी लेवल पर होने जा रहा है। जब कमिश्नरी लेवल पर होगा तो उसकी खबर दूर तक जाएगी। लेकिन आप हमारे कई लोग देखा, हमको कल लड़कों ने कहा मेरे साहब देखे ना 19 तारीख को हम लोग अपने पंचायत में मीटिंग रखे है, आप लोग भी जिला में रख लिए। मैंने कहा अरे बाबू जंगल में नाचने मोर देखा किसने, घर में 1 लाख रिकात नमाज पढ़ोगे, ईद की नमाज नहीं होगी, ईद के लिए ईदगाह जाना जरूरी है और प्रदर्शन के लिए मरकज में जाना जरूरी है। इसलिए हिंदू मुस्लिम सब लोगों को जोड़िए, अल्लाह ने अगर आपके हिस्से में इज्जत लिखी है तो इस कारवा का जूता भी उठाइएगा तो अल्लाह आपको इज्जत बरसेगा। और अगर आपके नियत में नफाक है, मेरे नियत में नफाक है, मैं अगर सदर भी बन जाऊं, मेरे फोटो भी छप जाए, अगर मुकद्दर में इज्जत नहीं है तो अल्लाह इज्जत नहीं लिख सकता है। इसलिए मैं उन तमाम नौजवानों से नसीहत के तौर पर, अपने छोटे भाइयों से नसीहत के तौर पर कहना चाहता हूँ, हमारे मुखिया इदार साहब उधर काम कर रहे हैं बड़े खुलूस के साथ काम कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये देख लीजिए, ये लड़ाई पूरे मिल्लत की नहीं है, पूरे कौम की है, पूरे हिंदुस्तान की है। एक लड़ाई लड़ी गई थी मुल्क को आजाद करने की और मुल्क के संविधान को बनाने की, और आज जो लड़ाई चल रही है वो मुल्क के बेईमान लोगों से मुल्क को आजाद कराने की और मुल्क के संविधान की हिफाजत की। याद रखिए भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान बचेगा तो अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान नहीं रहा, तो ये जो दंगा और बिल्ला बैठा हुआ है ये धर्म के नाम पर लोगों को मार डालेगा, लोगों इससे होशियार होना है। नौजवानों के चेहरे पे जोश है, माए और बहने भी अपनी चूड़ियां तोड़कर तलवार है, और अब ये नारा देना है कि दिल में है, तातिल में है। आप सारे लोग बताइए ये कई महीने के लिए तहरीक चले, उसमें डलते रहिए मेरे भाइयों। अगर ये तहरीक को आगे नहीं बढ़ाइएगा तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमारे हमारे जनाब भाई करुण हुदा साहब भी आपके दरमियान में सफी फरमा हो गए। मेरे भाइयों इस तहरीक को आगे बढ़ाइए और सब काम पर, और ये कई महीने के लिए अपने बुजुर्गों से कहेंगे शादी में कटौती कर दो, नौजवानों क्रिकेट का खेल कुछ लोग बंद कर दो, जलसा 3 रात की जगह पर 1 रात कराओ, अपना पैसा अपनी ताकत हिंदुस्तान के दस्तूर को अपने आने वाली नस्लों को अपने मुल्क को बचाने के लिए लगाओ। अगर आपने ये किया तो आप भी बचेंगे, आपकी नस्लें भी बचेंगी। अगर आज ये फैसला कोई लड़ाई नहीं लड़ी आपने, बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, सड़क पर हम नहीं उतरे, केक के लाने का फैसला हुआ, जब इस बीच आने की खबर हुई थी तभी ये तूफान मेरे फेवर में होंगे, नहीं हुआ तो हमको फैसला मिल जाएगा। हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक तरफ से काटने का मसला था बंबई में, और कटेगा और मेट्रो की लाइन बिछेगी, बच्चे तो समाजी सबसे बड़ा फैसला जन आंदोलन है, ऐसा जन आंदोलन पैदा करना है। मुस्लिम लीग वालों ने भी, जनाब सरस्वती नवेशी ने भी, अभी
जो सिटीजन अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, आपके केस आप आएंगे, लेकिन हमारा ये